गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो 14 जून 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने हूँ अर्चना सिंह आपके चैनल सक्सेस मंच पे। तो चलिए देखते हैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या खबरें हैं, 14 जून को क्या हुआ देश और दुनिया में नया, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो खबरें देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो कि मेंस का है, यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट 95-96% सेम है। कुछ यूपी के कंटेंट है वो थोड़े से अलग हैं, तो वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। बाकी चीज़ें जो सेम हैं वो हम लोग कवर करेंगे जो भी हमारे आने वाला वीक है। मंडे से ऑनवर्ड हम लोग डेली 1 से 2 वीडियो देखेंगे इस मेंस की सीरीज़ की। तो जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए आने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी अच्छी सीरीज़। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो करते ही रहिए, क्योंकि आपका कैलेंडर आ चुका है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने जो भी प्रिपरेशन है वो प्रॉपर करनी है। तो उसके लिए 2 मिनट की क्विज कॉन्टेस्ट में लेकर आई हूँ कि 2 मिनट में आप लोग देखिए कि आपकी जो तैयारी है, जो कैपेबिलिटी है, वो कहाँ स्टैंड करती है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आया उस वीडियो में। तो वो डेली सुबह 8 बजे आती है हमारी 2 मिनट जो हमारी नॉलेज बूस्टर सीरीज़ है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा अपने स्कोर। तो चलिए देख लेते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हमारी सीरीज़ में। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस की हम लोग बात करते हैं। तो 6 से 15 जून के बीच की जो दिवस हम कर रहे थे उसमें से 7 जून मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप 8 जून का 13 जून का गो थ्रू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसे लर्न करना। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जून का जो 3rd रविवार है जो कि आज पड़ता है, आज है वर्ल्ड फादर डे। तो होप आप लोग अपने अपने फादर को विश जरूर करेंगे, कोई छोटा सा गिफ्ट ज़रूर देंगे उन्हें, चाहे एक हग ही क्यों ना हो। तो आज का दिन आप लोग मनाना ना भूलें अपने घर पे। तो चलिए आगे देखते हैं आज के क्वेश्चंस। हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शोभा शेखर, इनको दिया गया है ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर उत्कृष्ट योगदान के करने वाले व्यक्तियों को ये दिया जाता है मेडल। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी है कैनबरा, इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों के करंट अफेयर बूस्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सावित्री राठौर। ये अमिया कुमारी पादी और संजू पाडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली 3री महिला हैं। तो ये आप याद रखेंगे, सावित्री राठौर उड़ीसा की 3rd लेडीज जो हैं जज वो हैं। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो ये है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के नेशनल पार्क्स हैं भितरकनिका, सिम्पलीपाल। उड़ीसा के जो बांध है वो इंद्रावती बांध है जो कि इंद्रावती नदी पे बना हुआ है, हीराकुंड बांध है महानदी पे बना हुआ। और जीआई टैग की हम बात कर लेते हैं तो कोणार्क पत्थर की नक्काशी, पट्टा चित्र और गंजाम केवड़ा का फूल, ये हमारे जीआई टैग हैं उड़ीसा के। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब याद रखिएगा, आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये सब चीज़ें। 3rd क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर का, तो अब बनने जा रहा है हुबली कर्नाटक का। चलिए देखते हैं इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई है 1400 मीटर लंबा है, ये 10 मीटर चौड़ा है। और वर्तमान में गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि 1366 मीटर लंबा है, और ये 1400 मीटर हो जाएगा, तो ये सबसे लंबा हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, बीएस येदुप्पा इसके सीएम है और राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसे नागरहोल नेशनल पार्क भी कहते हैं यहाँ सिचुएटेड है। बांध की बात करें तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा सागर डैम
कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, माणी विलास सागर वेदवती नदी पर और सुपा बांध काली नदी पर सिचुएटेड है इन कर्नाटका। जीआई टैग की बात करें तो चन्नापटना खिलौना और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन और मैसूर जैस्मिन, ये यहाँ की जीआई टैग्स हैं। नेक्स्ट, विश्व हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी विश्व खाद्य फूड सेफ्टी डे निकला है, तो आप याद रखेंगे 7 तारीख को, तो वो मिला है रतन लाल को। उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें 2.5 लाख डॉलर मिलेगा, जो 5 दशकों तक उनके कैरियर में उनके योगदान में सम्मान करता रहेगा। हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पर राज्य की योजना 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कलेक्शन देने की है। तो अब यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मुख्यमंत्री अभी चेंज हुए हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। नेशनल पार्क हैं, यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और भी बहुत सारे हैं। बांध की बात करें तो बाणसागर सोन नदी पर बना है, भीमगढ़ वैनगंगा पर, गांधी सागर चंबल नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर भी नर्मदा नदी पर। जीआई टैग में चंदेरी कपड़ा, चंदेरी की जो साड़ियाँ होती हैं, इंदौर की चमड़े के खिलौने और रतलामी सेब यहाँ का जीआई टैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा राज्य सरकार ने। बोर की जो लागत होगी 90% सरकार वहन करेगी और 10% किसानों द्वारा वहन किया जाएगा। कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़, मुख्यमंत्री यहाँ मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और नेशनल पार्क की बात करें तो कलसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में सिचुएटेड है। बांध की अगर बात करें तो कौशल्या बांध यमुना नदी पर, ओटू बैराज घग्गर नदी पर और अनकपुर बांध हरका नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चदेड़ू योजना शुरुआत की है? तो नाम से ही पता चलता होगा कि ये हमारी साउथ की योजना है, ये है आंध्र प्रदेश की योजना। तो इस योजना के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के लगभग 2.47 अभ्यर्थियों को 10,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल होगी हैदराबाद। मुख्यमंत्री प्रेजेंट में है इसके YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में किसने COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी स्थापना की है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार के सहयोग से स्थापित की जाने वाली यह सुविधा डॉक्टर्स में भारत में डॉक्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा पूरी तरह प्रबंधित की जाएगी। यहाँ बिहार की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है फग्गु चौहान। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित किस बैंक पर 6 महीने के लिए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है? तो ये यूपी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्यूपिल कोऑपरेटिव बैंक। इन्हें जो आदेश के मुताबिक न ही ये बैंक नया लोन ग्रांट कर पाएगा और पुराना लोन जो है उसको रिन्यू भी नहीं कर पाएगा, तो यूपी के लिए इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सन हेनरी हेवलॉक सड़क का नाम बदल के किसके नाम पे करने की घोषणा की है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरु नानक मार्ग। हाल ही में ब्रिटेन में ऐसी धरोहर का नाम बदलने की मांग की जा रही है जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भेदभाव और जुल्म करने में शामिल रहे हों, तो इसी के आधार पर इन्होंने
साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हेवलॉक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल बानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें किया गया है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। करीब 7 वर्ष के अंतराल के बाद कश्मीर में किसी वकील को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इसलिए ये खबर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी कब तक बढ़ाई है? तो ये बढ़ा दी है 30 सितंबर तक, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने जो भी वाहन है उसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ाने में असक्षम है, इस वजह से इसकी डेट आगे ड्यू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गेंद चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है BCCI या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ओलंपिक संघ या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और इसकी जो सिफारिश की थी वो थी भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले ने। साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच में खिलाड़ियों को अपनी जर्सी और स्वेटर के अगले हिस्से पर 32 इंच के लोगों को लगाने की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड डिजाइन किया है, विकसित की? तो ये किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। नाम से ही पता चल रहा होगा एयरबॉर्न, तो वायुसेना ही करेगी इसे। इस डिजाइन जो प्रणाली है इसको 60,000 रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ चुका है? तो भारत ने अब छोड़ दिया है ब्रिटेन को पीछे, अब वो आ चुका है 4th स्थान पर। भारत से पहले रूस, ब्राजील और अमेरिका है। ब्रिटेन में संक्रमण 291,409 मामले हैं, जबकि भारत में 297,832 मामले हैं। ये डाटा आज तक का है, आज से सिचुएशन और भी चेंज हो सकती है, चेंज हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज की खबरें इतनी ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू जारी रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।